पति पत्नी के रूप में यदि सामान्य रूप से मैं बात करूं तो हम राम जी सीता जी को भी देख चुके हैं, कृष्ण जी रुक्मणी जी को देख चुके हैं, इनकी संतानों को भी देख चुके हैं, और एक दाम्पत्य शिव जी और पार्वती जी का भी देखेंगे। अद्भुत दाम्पत्य है इन लोगों का, अद्भुत। और चूंकि शिव और पार्वती का दाम्पत्य इतना दिव्य है कि उसका सीधा परिणाम बच्चों पे पड़ रहा है। तुलना किसी की नहीं, पर बात समझ सके इसलिए कह रहा हूं, राम जी और सीता जी के बच्चों का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, कृष्ण और रुक्मणी के बच्चों का कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि आप सुन लो, लेकिन शिव और पार्वती के बच्चों का ऐसा इतिहास है कि गणेश जी घर घर पूजे जाते हैं, कार्तिकेय देवाओं देवताओं के सेनापति, और हनुमान जी का तो कहना ही क्या, कैसे ऐसी संतानें हो गई होंगी। चलिए जरा वहीं से चलते हैं जहां कल कथा खत्म की थी। भगवान शिव का विवाह हुआ, पार्वती जी को विदा करा के लाए हैं। विवाह में क्या हुआ था आपको मालूम है, थोड़ा तनाव आ गया था, थोड़ा सा उपद्रव भी हो गया था, लेकिन अब बाद में क्या होगा, आह हा हा कमाल है। बस यही शिव दाम्पत्य सीखना है कि उनके विवाह के पहले अशांति थी पर बाद में बहुत शांति थी। अपन लोगों के साथ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, अपना पहले कार्यक्रम इतना अच्छा चलता है विवाह के पर, और बाद में संभाले नहीं संभलती कईयों से, तो बस यही सीखना है। अपनी अर्धांगिनी को कैलाश लेके आए, लंबी चौड़ी कथा है, हम तो संक्षेप में काम की बात कर लें। हमारे तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिखा है, जब शिव जी और पार्वती जी कैलाश पे विवाह के बाद आए तो बड़ा सुंदर वर्णन है, पर ये रामकथा का विषय है, उसमें लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे ही आए बैठे कैलाश पे, और बैठते ही पार्वती जी ने अपने पति से एक प्रश्न पूछा, पिछले जन्म में सती के रूप में मैंने श्री राम पे संदेह किया और ये दशा हो गई, इस जन्म में मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी कि राम कौन है। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, देवी आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है, और यहीं से राम कथा आरंभ होती है। राम कथा यहीं से आरंभ हुई थी। जो राम कथा हम सुनते हैं वो शिव और पार्वती जी की एकांत में हुई चर्चा, उसी का प्रसारण है। पति पत्नी अभी अभी विवाहित हुए हैं, ऐसे विवाहित पति पत्नी एकांत में मिले तो काम कथा फूटती है तो दुनिया जानती है, पर ये जोड़ा ऐसा था जिसके एकांत में काम कथा नहीं राम कथा फूट गई। और जिस दिन पति पत्नी अपने एकांत में राम कथा को निकाल लाएं, उस दिन उनके दाम्पत्य के बच्चे फिर कहीं ना कहीं कार्तिकेय गणेश और हनुमान जैसे होंगे। तो बहुत सूत्र की बात यह है कि पति पत्नी के रिश्ते में एकांत दिव्य शांत और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। एकांत सबके सामने तो खैर अच्छे से रहते ही हैं, और जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो और अच्छे से रहते हैं। हाँ भाई, एक्टिंग ही तो करना है, तो इतने बढ़िया कई कई कपल तो ऐसे लगते हैं कि आह भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है कई, लेकिन जब वो एकांत में होते हैं तब पता लग रहा है क्या हो रहा है, जानवरों से भी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन जिसने एकांत बचाया उसको रिजल्ट भी मिलेगा। तनाव होगा, मतभेद होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं पति पत्नी को अपने एकांत में वो सारा शुभ उतारना चाहिए जो शेष जीवन में बिखरेगा। इसलिए इस सूत्र को आज जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। आपको जो भी संकल्प लेना हो, यदि आपका दाम्पत्य जीवन है तो एक संकल्प लीजिए, सबके सामने तो पंगा करेंगे ही नहीं लेकिन कम से कम एकांत में तो नहीं करेंगे, संकल्प लीजिए चाहे जो हो जाए। और यही शिव और पार्वती जी का एकांत हमको समझा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, हम रुद्र संहिता सुन रहे हैं दूसरी, उसका चौथा खंड कुमार खंड। कथा कौन किसको सुना रहा है? अशांत हुए नारद जी तो भगवान विष्णु ने कहा शांत होना है तो शिव चरित्र सुनो। शिव चरित्र सुनने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव चरित्र सुना रहे हैं, वही शिव चरित्र नारद जी ने व्यास जी को सुनाया,
वही शिवचरित्र व्यास जी से सूत जी ने सुना, वही शिवचरित सूत जी से 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सुना, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये कथा का लेवल बता दिया मैंने आपको। तो कथा सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के मुंह से नारद जी। अब प्रश्न पूछा नारद जी ने कि शिव जी का विवाह हुआ तो उनका दाम्पत्य जब आगे चला तो पारिवारिक जीवन कैसा रहा, बच्चे कैसे हुए, ये सब कथा सुनाइए। एक दिन भगवान शिव को जानकारी प्राप्त हुई कि उनके अंश से एक बालक का जन्म हुआ है जिसको वन में पाला गया है, जिसका नाम कार्तिकेय है। शिव जी ने कहा फिर तो ये मेरा ही बालक है। शिव जी ने अपने दूत को बुलाया, वीरभद्र को, विशालाक्ष को, शंभुकर्ण को, कराक्रम को, नंदीश्वर को, महाकाल को, महोन्मत को, गोकर्णस्य को, दधिमुख को, ये शिव के गण हैं। तो कहा कि जाओ उस बालक को ढूंढो और लेके आओ। बस उस बालक को लाया गया। जब वो बालक शिवलोक में आया, शिव पार्वती बड़े प्रसन्न हुए, ये हमारा पुत्र है। उन्होंने तारकासुर को मारा। कथा लंबी है पर हम संक्षेप में अपने काम की बात करते चलें। कार्तिकेय शिव पार्वती के सबसे बड़े बेटे, देवताओं के सेनापति बने। सेनापति मतलब लीडर, उनके हाथ में नेतृत्व आया। देखिए ये प्रतिस्पर्धा का युग है। सभी माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे अव्वल रहें, लीडर रहें, कहीं ना कहीं नंबर वन रहें। होना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है परीक्षा में नंबर वन हो, माता पिता प्रसन्न होते हैं। किसी सिस्टम का हेड हो जाए, माता पिता प्रसन्न होते हैं। किसी व्यवसाय में लीड करें, क्योंकि नेतृत्व किसको पसंद नहीं है, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। और फिर प्रतिस्पर्धा का युग है, तो इसमें अपने परिश्रम से, योग्यता से, योजना बनाने की क्वालिटी से, टीम वर्क से, मार्केटिंग से, जितने फंडे हैं सब बच्चों में डाल के सोचते हैं ये आगे निकल जाए और कहीं ना कहीं नंबर वन हो जाए, नंबर वन। और जब ना हो तब देखो माता पिता का डिप्रेशन। आप प्रयास करिए तनाव ना लें, नहीं तो वो तनाव माता पिता बच्चों में उतार देते हैं। आज जो आत्महत्या की घटनाएं लगातार युवाओं के बीच में घट रही है, कहीं ना कहीं खुद उनका दबाव और उनके ऊपर जो दूसरों का दबाव है। इसलिए मैं माता पिता से एक निवेदन करना चाहता हूँ, संसार में रहने के जितने तरीके आप अपने बच्चों को सिखाएं ज़रूर सिखाइए, पीछे न रह जाएं। लेकिन उसी समय पैरेलल थोड़ा भीतर के संसार में रहना भी सिखाएं। जब आप बच्चों को प्रबंधन के गुर सिखा रहे हैं उस समय योग से भी उनको जोड़ें। बचपन से बच्चों के साथ थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। हम बच्चों को मंत्र सिखाते हैं, आरती सिखाते हैं, पूजा में बैठाते हैं, अपने साथ यज्ञ कराते हैं, महाभारत रामायण की कहानियां सुनाते हैं, ये सब अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन थोड़ा समय उनके साथ योग ज़रूर करिए। इसलिए करिए कि कर्मकांड से वाइब्रेशन नहीं निकलते, कर्मकांड से बॉडी डिसिप्लिन आता है, लेकिन योग से वाइब्रेशन ट्रांसमिट होते हैं। और योग से ही जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो बच्चे कैच करेंगे, क्योंकि इस युग में हर नया बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये सिस्टम है। और हम खुद भी पढ़ाते हैं कि हम इतना पढ़े तो हमसे ज़्यादा पढ़। जैसे ही बच्चे ज़्यादा पढ़ जाते हैं उनको एक गलत फहमी हो जाती है कि हम हमारे माँ बाप से ज़्यादा पढ़े हैं तो अकल भी हम में ज़्यादा है। पढ़े लिखे होने में और अकलमंद होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन बच्चे पढ़े लिखे होने के साथ साथ अपने आप को माँ बाप से अकलमंद भी ज़्यादा समझते हैं, तो बोलते हैं ये जो बता रहे हैं इनको कुछ नहीं मालूम। इसलिए आजकल माँ बाप और बच्चों के बीच एक संवाद ऐसा चलता है, अरे आपको कुछ नहीं मालूम, लो इनको कुछ नहीं मालूम, इनको सब मालूम है, एकदम बोल देते हैं। क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि हम ज़्यादा पढ़े हैं, हमने अलग दुनिया देखी है, और सब गड़बड़ होने लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको योग से जुड़ना पड़ेगा। और आपको बचपन से बच्चों को योग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? योग आपको शरीर मन और आत्मा का भेद सिखाता है। मैं सरल भाषा में योग बता रहा हूँ, ज़्यादा झंझट में मत पढ़ना, नहीं तो योग तो बहुत लंबा है, फिर अष्टांग योग और उसमें यम और नियम और आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब बच्चों को क्या सिखाओगे, यम तो यम क्या होता, नियम, इनको कोई लेना देना नहीं इससे। एक बात सिखाइए, जिस दिन ये योग करते हैं शरीर मन और आत्मा का अंतर समझते हैं। जिनके शरीर मन और आत्मा चिपके हुए वो अशांत और कंफ्यूज,
ब्रह्म में डूबे, और जिसने इसका गैप बना लिया वो उतने शांत, उतने क्लैरिटी से भरे हुए। बस बच्चों को यही तो देना है, बाकी तो सीख लिया उन्होंने दुनिया में। तो थोड़ी देर उनसे ऐसी क्रिया कराएं कि वो शरीर को अलग समझने लगे, मन क्या होता है वो अलग समझ जाएं, इंद्रियां क्या होती वो अलग समझ जाएं। इन बच्चों को बाकी सब मालूम है पर 10 इंद्रियां हैं ये नहीं मालूम, और यही 10 इंद्रियां उनको परेशान कर रही, इनको जानकारी नहीं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं हमारी, हाथ पैर मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। फिर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख नाक कान त्वचा और जीभ, ये 10 मिलती हैं। इनका संचालन मन करता है, मन आँख से कहता है ये देखो, मन जीभ से कहता है वो खाओ। जीभ में दोष नहीं है, दोष मन में। तो कई लोग जीभ से गुस्सा होते हैं, आँख गलत दृश्य दिखा रही है तो आपको लगता है आँख ही फोड़ लो। कई बार लोग आँख बंद कर लेते हैं, गलत दृश्य नहीं देखो, तो मन उससे भी ज़्यादा गलत दिखाने लगता है। तो झंझट मन में है, इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियाँ तो टूल हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उसका यूज़ कर लीजिए। कैंची चलाना ना आए तो हाथ काट देगी, इसमें कैंची की क्या गलती है? कोई खुद चल के थोड़ी आई है आपके पास, आपके हाथ से संचालन ठीक नहीं हुआ है, आपके मन की कंट्रोल नहीं है, तो इंद्रियां बर्बादी की ओर ले जाएंगी। और यही मन अगर ठीक ठाक कंट्रोल हो जाए तो यही इंद्रियां आपके लिए क्या नहीं कर सकती हैं।